नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। व्यापारी से 85 लाख रुपए की ठककर फर्जी खातों में उसे ट्रांसफर कर ठगी करने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को साइबर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में एक बैंक का बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर है, जबकि दूसरा डिलीवरी बॉय है। अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। बदमाश इन फर्जी खातों को दुबई में भेज रहे थे। साइबर SP जितेंद्र सिंह के मुताबिक गिरफ्तार आरोपियों के नाम मोहम्मद जाबाज व राकेश त्रिपाठी है। मोहम्मद जाबाज एक बैंक का बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर है, जबकि राकेश एक फूड कंपनी में डिलीवरी बॉय का काम करता है। मोहम्मद जाबाज एक इंटरनेशनल ठगी गैंग का सदस्य है। उसके द्वारा करीब 35 करंट अकाउंट फर्जी नाम से खोले गए थे, जिसमें लोगों से ठगी की राशि को अलग अलग खातों में ट्रांसफ़र कर देते थे, ताकि पुलिस उन तक पहुंचने में समय लगाए। इस दौरान वो ठगी की राशि के खाते दूसरे देश में बेच सकें। आरोपी जाबाज द्वारा ऐसे ही खाते को दुबई में बेचा गया था। खाते के साथ उसे ऑपरेट करने वाले इंटरनेट ID पासवर्ड भी दिए जाते थे। उक्त 35 खातों में करीब 15 खाते अलग अलग शहर की साइबर पुलिस द्वारा पहले ही सीज किए जा चुके थे। पूरे गिरोह का पता शहर के एक व्यापारी से 85 लाख रुपए की ठगी की जांच के दौरान चला है। व्यापारी से कुछ राशि आरोपी राकेश द्वारा बनाए गए फर्म में ट्रांसफ़र हुआ था। 2 महीने में राकेश के खाते में ठग गैंग ने करीब 6 करोड़ से ज्यादा के ट्रांजेक्शन किए थे। देखिए, विगत दिनों राज्य साइबर सेल इंदौर इकाई में फरियादी ने शिकायत दर्ज कराई थी कि इन्वेस्टमेंट के नाम से उसको एक ऐप डाउनलोड कराया गया और लगभग 85 लाख रुपए की उससे ठगी की गई। इसी प्रकरण में FIR दर्ज करने के पश्चात जब विवेचना प्रारंभ की गई तो ये पाया गया कि उसकी अंश राशि इंदौर में एक निजी बैंक के खाते में भी गई है। इसको जब आगे और पड़ताल की गई तो पाया गया कि एक RK एंटरप्राइजेज नाम का खाता खुलवाया गया और वो एक राकेश त्रिपाठी के नाम से खाता था। राकेश त्रिपाठी को जब उससे पूछताछ की गई तो राकेश ने बताया कि उसको लालच देके 1 लाख रुपए का उसको लालच दिया गया और वो खाता जो है बैंक के ही कर्मचारी ने अन्य लोगों के साथ मिलकर उससे खुलवाया था। और RK एंटरप्राइजेस के नाम से कोई संस्था थी ही नहीं, कोई फर्म थी ही नहीं, और वो फर्जी फर्म खुलवाई गई। और जब RK एंटरप्राइजेस के खाते की पड़ताल की गई तो उसमें ये पाया गया कि विगत 2 माह में उसमें लगभग 6 करोड़ 18 लाख रुपए की संदिग्ध राशि आई है, जो संभवतः साइबर ठगी की है। तो इसी में जो इंडसइंड बैंक है उसका जो बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर है मोहम्मद जाबाज, उसको गिरफ्तार किया गया है। और वो युवक जिसके नाम से ये फर्जी फर्म का खाता खोला गया था, चूंकि युवक को ये जानकारी थी कि उसका ये खाता खोला जा रहा है फर्जी, तो राकेश त्रिपाठी नामक उत्तर प्रदेश का वो युवक है, उसको भी गिरफ्तार किया गया। सर, राकेश त्रिपाठी जिसके नाम पे RK एंटरप्राइज का अकाउंट था, उसमें लगभग धोखाधड़ी की कितनी रकमें बरामद हुई? मतलब देखिए, उसमें 6 करोड़ 18 लाख रुपए आए हैं और पुलिस ने उसको खाते को फ्रीज कराया है। इसी तरह के अन्य खातों का भी इस्तेमाल किया गया है जिनको फ्रीज कराया गया है और रिकवरी की प्रक्रिया जारी है। सर, कार्रवाई में संभावना है कि जो बैंक का एम्प्लॉय पकड़ा है उसके जरिए और भी दूसरे बैंकों के, निजी बैंकों के कुछ लोग शामिल हो सकते हैं? जी हाँ, हमको ये जो मोहम्मद जाबाज नामक आरोपी इंडसइंड बैंक का जो मैनेजर था जो पकड़ाया है, इससे जो पूछताछ हुई और इसके फोन में जो चैट्स मिली हैं उसमें इस बात के संकेत मिलते हैं कि शहर के अन्य निजी बैंक के महिला पुरुष कर्मचारी भी जो है इसमें लिप्त हैं। और इसी बैंक के एक और कर्मचारी को पूर्व में फरीदाबाद हरियाणा के पुलिस ने भी गिरफ्तार किया है, जिसने गिरोह के साथ मिलकर और दुबई में जो साइबर ठग बैठे हैं उनको खाता बेचना स्वीकार है। सर, अभी तक लगभग इन्होंने कितने खाते इस तरह के खुलवाए होंगे फर्जी? मोहम्मद जाबाज से जब पूछताछ की गई तो उसने बताया कि लगभग 35 करंट अकाउंट उसने खुलवाए थे। उनकी जब हमने और पड़ताल की तो ये पाया कि उसमें से 15 अकाउंट ऐसे हैं जिनको एजेंसियों द्वारा फ्रीज करा दिया गया है। सर, इसमें टोटल देश भर के हैं या कुछ विदेशों से भी कुछ पैसा डाला अकाउंट? नहीं, अभी तो जो है हमें जो जानकारी है उसमें देश भर से इसमें इनमें साइबर ठगी का पैसा आ रहा है। सर, इसमें कुछ ऐसी बातें भी सामने कि ये लोग खाता खुलवा कर उसको बाहर दूसरे देशों में भेज दिया करते थे उन अकाउंट को? जी, जैसा मैंने बताया कि जो गढ़वाल एंटरप्राइजेस के नाम से एक खाता सियागंज ब्रांच में खुलवाया गया इंडसइंड बैंक में, उसके बारे में ये जानकारी में आया है कि फरीदाबाद पुलिस ने जब उसमें आरोपियों को गिरफ्तार किया गया जिसमें बैंक के कर्मचारी भी थे, तो वहाँ पूछताछ में उन्होंने इस बात को कबूला है कि दुबई में बैठे साइबर ठगों को उन्होंने ये खाता बेचा। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट TV पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।